La 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 la. आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसके लेखक हैं ईवी लुकस और कहानी का नाम है द फेस ऑन द वॉल। इस कहानी को मैंने खास आपको सुनाने के लिए हिंदी में अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट किया है। तो आओ सुनो कहानी दीवार पर वो चेहरा। अब इसे आप फितूर नहीं तो और क्या कहेंगे कि जुलाई की उस भरी दोपहरी में, उस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में मैं निकल पड़ा गिरधर के कैफे की ओर। अब मुझे चाय पीने की तलब ज्यादा थी या उन लोगों से मिलने की जो मुझे अपनों से ज्यादा प्यारे लगते थे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये मैं जरूर बता ही देता हूं कि गिरधर के कैफे पहुंचा तो क्या देखता हूं कि जहां में फितूरी अकेला मैं ही नहीं हूं जनाब। वहां पहुंचा, सबसे दुआ सलाम हुई और मैं अपनी जगह में जाकर बैठ गया। गिरधर वहां से बोला, अरे चाय लाओ। फिर क्या था, चाय के दौर शुरू हुए। पहले दौर पर हमने पॉलिटिक्स की उधेड़ बुन कर डाली, दूसरे दौर में हमने अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की ऐसी की तैसी कर दी, तीसरे दौर तक पहुंचते पहुंचते तो हम न्याय धर्म शास्त्र सभी चीज में आ गए और चौथे दौर में तो हमने फिलॉसफी भी झाड़ डाली। सुबह से शाम हो गई, दिन से शाम हो गई, तो गिरधर बोला, अरे छोड़िए, अब मैं आपको कुछ बढ़िया अलबेले किस्से सुनाऊं, ये बहुत हो गई गहरी बातें। उस दिन गिरधर के कैफे में एक अनजान व्यक्ति को मैंने पहली बार देखा। उसकी शक्ल से उसके अंदर चल रही हलचल का पक्का आभास और पूरा आभास हो रहा था। अजीब सी शक्ल थी उसकी, बिल्कुल सफेद सी, और उसकी काली गहरी आंखें ऐसी कि उनमें देखो तो पता चलेगा ना जाने कितने तूफान वो अपने अंदर समेटे बैठा है। तभी गिरधर ने बोला, अनाउंस ही कर डाला कि भाई ऐसा है कि अब मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त जोरदार किस्सा सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, आप डर जाएंगे, आप हक्के बक्के रह जाएंगे, शायद अपनी कुर्सी से उठ भी जाएं, क्योंकि मैं आपको एक अनहोनी के बारे में बताने वाला हूं। उसके बाद गिरधर ने एक भूतिया किस्सा सुना दिया। फिर क्या था, अरे अनहोनी अलबेले किस्सों की लड़ी लग गई। किसी का किस्सा किसी से कम ना था, मगर किसी के किस्से में वो दम ना था। सबने बात करी, किस्से सुनाए, मगर वो अनजान व्यक्ति वैसे ही चुपचाप संकोच में कुछ अजीब ढंग से बैठा रहा। जब सबके किस्से खत्म हो गए तो गिरधर ने उसी अनजान व्यक्ति को देखते हुए बोला कि अरे जनाब, मेरे कैफे में आपका स्वागत है। अपनों की भीड़ में पहले दोस्त आप बनाना चाहेंगे तो क्यों ना इस दोस्ती की शुरुआत किस्से से करी जाए। अरे आपके पास भी तो होगा कोई अद्भुत अकल्पनीय अलबेला किस्सा, कोई अनहोनी, कोई भूतों की कहानी, कोई प्रेतों का किस्सा। तो उस शाम को पहली बार वो अनजान व्यक्ति एक गहरी सांस भरकर बोला, जी है तो, मगर आप लोगों की तरह वो एक किस्सा कहानी कोई वाकया नहीं है, एक आप बीती है। अकल्पनीय और अद्भुत है कि नहीं वो मैं नहीं जानता, वो आप तय करिएगा, है मंजूर तो सुनाऊं। उसका ये कहना था कि सबने बोला जरूर, तो बस वो अनजान व्यक्ति अपना किस्सा सुनाना शुरू करता है। उसने दोबारा एक लंबी गहरी सांस भरी और बोला, बात कुछ 2-3 वर्ष पुरानी है, जब मैं पहली बार लंदन आया। मुझे इस शहर से पहली बार में ही ऐसी मोहब्बत हुई कि फिर जाने का मन ही नहीं करा। मैंने इस शहर में द ग्रेट ओमन स्ट्रीट पर एक घर भी ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे एक जबरदस्त बंगला भी दिख गया जहां पे मैंने पूरा किराया भर के किराए पर रहना शुरू कर दिया। बस जरा सी प्रॉब्लम ये थी कि उस घर की दीवारों पर अजीब से धब्बे थे, क्योंकि पिछले किराएदार ने शायद घर टाइम पर पुताई करा दी, बरसात में कराई होगी, इसीलिए अजीब अजीब से धब्बे थे क्योंकि पेंट पूरी तरह सूख नहीं पाया था। खैर, घर मुझे पसंद आया था तो किराया देकर मैंने रहना शुरू तो कर दिया था। अब एक दिन मैं अलार्म बजने से पहले ही सुबह सुबह उठ गया, तो मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहा, अलसाता रहा, और धीरे से मैंने अपनी नजर दीवार पर, छत पर, सीलिंग पर दोहराई तो देखता हूं कि उस पर कुछ अजीब से आकार के धब्बे नजर आ रहे हैं, कभी बादल, कभी खरगोश, कभी डायनासोर।
तो कभी इंसान। उन सभी चेहरों के बीच एक अजीब सा चेहरा मुझे दिखाई दिया। वो चेहरा ऐसा था कि मानो अभी बोल पड़े। उसका मुंह आधा खुला आधा बंद, उसकी पैनी नुकीली नाक, उसकी काली गहरी गोल आंखें और उसके तराशे हुए नैन नक्श। मैं मरते दम तक उस चेहरे को नहीं भूल सकता। तभी अलार्म बजा। मैं फटाफट बिस्तर से उठा और दफ्तर के लिए तैयार होने के लिए चला गया। लेकिन उस दिन उस चेहरे ने मुझे छोड़ा नहीं। मैं दिन भर उसी चेहरे के बारे में सोचता रहा। कुछ दिन निकले, फिर क्या था, हर दिन कम से कम 10-15 मिनट तो मैं दीवार के ऊपर ताकता और उसी चेहरे को देर तक देखता रहता जो कि हूबहू किसी इंसान की शक्ल का था। मैं सोचता, क्या सच में कोई ऐसा इंसान होगा जो कि इस दीवार पर जिसकी शक्ल बनी हो? क्या सच में कोई ऐसा इंसान हो सकता है? क्या वो जीवित है या मरा है? क्या मैं कभी उससे मिल पाऊंगा? क्या हमें मिलना है? ये चेहरा क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है? किस ओर इशारा करता है ये चेहरा? और उसके बाद मैं आपसे क्या बताऊं, मुझ पर एक अजीब सा फितूर सवार हो गया। उस चेहरे की खोज ने, उस चेहरे ने मुझ पर इस तरह अपनी गिरफ्त बना ली थी कि मैं पागलों की तरह दर बदर भटकने लगा। अरे मैं दफ्तर से छुट्टी ले लेकर उस चेहरे की खोज में निकलने लगा। मैं ऐसी जगह जाने लगा जहां पे कई लोग एक साथ मिले। फुटबॉल स्टेडियम, म्यूजियम, सिनेमाघर, क्लब घर, थिएटर, ट्रेन, बस इत्यादि। मगर वो चेहरा था कि वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर एक दिन हम मिले। ये कहकर वो अनजान आदमी चुप हो गया। उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तो देखा कि हम सब हक्के बक्के बैठे हुए हैं, हम सब के मुंह खुले हैं और एक टक उसकी तरफ देख रहे हैं। वो थोड़ा मुस्कुराया, ऐसा मुझे लगा, और उसने अपनी कहानी आप बीती आगे बतानी शुरू करी। पिकेडिली स्ट्रीट में मैंने उसको देखा एक टैक्सी में तेजी से जाते हुए। जैसे मैंने उसको देखा मैं पागल सा हो गया। मैंने देखा कि वो आदमी तो चला जा रहा है, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। टैक्सी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ दो औरतें और एक छोटी लड़की भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं पागलों की तरह बस टैक्सी का पीछा करता चला जा रहा था। मेरे माथे पर पसीना हो गया था, मेरा चेहरा पसीने से लथपथ था, मेरे माथे की नसें फड़फड़ा रही थी और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी मैंने देखा कि सामने राउंड अबाउट से एक टैक्सी आती आ रही है। मैंने उसको जोर से इशारा किया और बोला, प्लीज फॉलो देम। मैं उसमें बैठा और हम लोग उस टैक्सी के पीछा करने लगे। वो टैक्सी उस आदमी को लेकर सीधा चेरिंग क्रॉस स्टेशन पर रुकी। वो सभी लोग वहां पे उतरे। मैंने भी अपनी टैक्सी को पेमेंट किया और वहां उतर गया। उनके पीछे पीछे मैं प्लेटफॉर्म तक गया। मैंने देखा कि वहां उसको उसके दोस्तों के हजूम ने घेर लिया और वो उनसे बातें कर रहा था। तभी ट्रेन ने सीटी बजाई और वो आदमी उन सबसे दूर हटकर टिकट घर की तरफ बढ़ा। मैं भी उसके पीछे पागलों की तरह टिकट घर की तरफ चलने लगा। उसने लास्ट स्टॉप तक का टिकट लिया तो मैंने भी जेबें टटोली और कुछ पैसे निकालकर आखिरी स्टॉप का टिकट लिया। मुझे लगता था कि हो ना हो मैं इस आदमी से ट्रेन में बात कर पाऊंगा और मुझे कैसे भी करके उससे ट्रेन में बात करनी ही पड़ेगी। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन है, कहाँ रहता है, क्या रिश्ता है हमारा और क्यों इसकी शक्ल उस दीवार पर दिखती है, मेरे घर की दीवार पर। मैं बिल्कुल पागल की तरह मालूम हो रहा हूँगा, लेकिन मैं इतना सटपकाया सकुचाया हुआ था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो सारे लोग ट्रेन में चढ़े और मैं भी उनके पीछे ट्रेन में चढ़ गया, ठीक उसी डब्बे में जिसमें वो चढ़े हुए थे। ट्रेन स्टेशन छोड़ के निकल चुकी थी आगे। मैंने मन में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह, मैं अगले स्टॉप के आने से पहले ही इससे बात कह डालूंगा। मगर हिम्मत होती तो कह पाता। पूरे रास्ते वो आदमी अपने दोस्तों के बीच घिर के बैठा रहा। वो अपने यारों में घिरा रहा और मैं असमंजस में। मैं उससे एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ट्रेन आखिरी स्टॉप पर आके रुकी। वो पूरी पार्टी नीचे उतरी, मैं भी उनके पीछे नीचे उतरा। इसके आगे क्या होने वाला था मुझे कुछ नहीं मालूम था। ये कहकर वो व्यक्ति एक बार फिर रुका। उसने दोबारा कमरे का मुआयना किया, कैफे का मुआयना किया, चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि हम सब बिल्कुल वैसे के वैसे बैठे हैं, जस के तस जैसा कि पहले बैठे हुए थे। हम लोग अपनी कुर्सी के कगार पर आ गए थे।
उसकी कहानी ने हमको पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हम लोग उसके एक एक शब्द को तरस रहे थे। आदमी मुस्कुराते हुए ऐसा मुझे लगा फिर बोला, मैंने देखा कि वो आदमी ट्रेन से उतरकर सीधा बंदरगाह जा रहा है। अब इस समय उसके जो बाकी दोस्त थे वो उस भीड़ से अलग हो गए थे और वो आदमी दो औरतें और छोटी बच्ची ही थे। मैं भी उनके पीछे पीछे बंदरगाह जाने लगा। वहां जाकर मैंने टिकट घर पे सुना कि वो आदमी लास्ट स्टॉप यानी कि फ्रांस का टिकट ले रहा है। मैंने फिर से अपनी जेबें टटोली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा, पर मुझे लगा कुछ तो होगा, कैसे तो होगा, आधे रास्ते ही सही जाऊं तो और जरूर उससे पहले ही बात कर लूंगा। मैंने देखा कि मेरे पास इतना किराया जरूर था कि मैं बलोनिया तक उस शिप में जा सकूं, तो मैंने बलोनिया तक आने जाने का किराया दिया और टिकट लेकर उन लोगों के पीछे पीछे शिप पर चढ़ गया। जैसे ही मैं उनके पीछे शिप पर चढ़ा, मैंने देखा कि वो आदमी, दो औरतें और छोटी लड़की फौरन एक कैबिन के अंदर चले गए और दरवाजा अंदर से बंद हो गया। पूरे 10 मिनट तक मैं उस सफेद कैबिन के बंद दरवाजे को ताकता रहा, पर मुझे यकीन था कि वो आदमी वहां से जरूर आएगा और तब मैं उससे पूछ लूंगा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों तुम्हारा चेहरा उस दीवार पर है। थोड़ा और टाइम निकला, तभी अचानक वो दरवाजा खुला, वो आदमी उस कैबिन से बाहर आया। मेरी हिम्मत बंधी, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ वो छोटी लड़की थी। वो दोनों डेक की तरफ गए, शिप के डेक की तरफ। मैं भी उनके पीछे पीछे लड़खड़ाते कदमों को लेकर चढ़ा। मन बना लिया था मैंने कि मुझे किसी भी तरह उससे बात करनी ही पड़ेगी। मैं बिल्कुल पागल की तरह मालूम होता हूंगा। मेरा चेहरा पसीने से तर बतर था, मैं पूरा लथपथ था पसीने से, मेरा शरीर कांप रहा था, मेरे माथे की नसें फड़फड़ा रही थी, मेरा दिल और जोरों से धड़क रहा था। मैं उसके पास पहुंचा उन लड़खड़ाते कदमों से और सक पकाते सकुचाते और हकलाते स्वर में मैंने उससे बोला, कैन आई प्लीज हैव योर कार्ड। उसने मुझे देखा, उसको शायद लगा कि ये ऐसा इंसान है जिसको कार्ड चुपचाप देना ही बेहतर है। उसने फौरन अपनी जेब से मुझे कार्ड निकाल कर दिया और लड़की का हाथ पकड़कर वहां से शिप की दूसरी तरफ चला गया। जब मैंने वो कार्ड अपने हाथ में लेकर पढ़ा तो मैं हक्का बक्का रह गया। उसमें काले बड़े अक्षरों से लिखा था, मिस्टर ओमंड वॉल, पिट्सबर्ग, यूएसए। इसके बाद अनजान व्यक्ति एक बार फिर रुका। उसने दोबारा पूरे कैफे का मुआयना किया। इस बार मैंने ये नहीं देखा कि वो हंसा कि नहीं, क्योंकि मैं खुद पूरी तरह से इस कहानी की गिरफ्त में था। अनजान व्यक्ति दोबारा बोला, मैं ये नहीं जानता कि उसके बाद क्या घटा, क्योंकि उस दिन के ठीक 2 हफ्ते बाद मैंने अपनी आंखें खोली बलोनिया के एक अस्पताल में। पिछले ही महीने मैं वहां से लौटा हूं, बलोनिया से लंदन वापस। उसके बाद तो मैं और पागल हो गया। पागलपन मेरे सर पर इस कदर सवार हो गया कि अब मुझे यह पता ना जरूरी हो गया था मेरे लिए कि वो आदमी कौन है, उसका इस घर से क्या ताल्लुक है, उस शहर से क्या ताल्लुक है और क्यों मिस्टर ओमंड वॉल की शक्ल, उनका चेहरा द ग्रेट ओमंड स्ट्रीट के घर पर दिखाई देती है। क्या मेरा उनसे कोई रिश्ता है? ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं पागल हो गया था। बहुत पता लगाने के बाद मुझे केवल इतना मालूम चला कि मिस्टर ओमंड वॉल एक बहुत बड़े व्यापारी, एक करोड़पति हैं, जो कि अब पिट्सबर्ग यूएसए में रहते हैं। उनके माता पिता कई सालों पहले लंदन के किसी घर में रहते थे। कब, कहां, किधर, ये मैं मालूम नहीं कर पाया। धीरे धीरे मैं बीमार होने लगा। एक दिन मुझे इन्फ्लुएंजा ने इस तरह बेबस कर दिया कि मैं दिन भर घर पर ही रहा, दफ्तर से छुट्टी लेकर बिस्तर पर पड़ा रहा और पूरे दिन मैं उस दीवार पर बने हुए चेहरे को ताकता रहा, मिस्टर ओमंड वॉल के चेहरे को। पता नहीं कब मेरी नींद, मुझे नींद लग गई। जब मेरी नींद खुली तो अगले दिन के दोपहर 12 बजे हुए थे। मैंने दीवार को देखा, 2 साल से जो चेहरा, जो आकार, जो धब्बा, 1 इंच रत्ती भर नहीं हिला था, पहली बार वो विकृत हो रहा था, वो बदल रहा था, वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मैं बिल्कुल घबरा गया।
पसीने में लथपथ पड़ा रहा बिस्तर पे। मैं देखता रहा, एक तक उस चेहरे को देखता रहा अपनी आंखों से सामने ओझल होते हुए, और देखते ही देखते वो गायब हो गया, पूरा गायब। वो चेहरा जो इतने सालों में रत्ती भर विकृत नहीं हुआ था, वो आज गायब हो जाता है। मैं घबरा कर बिस्तर से उठा, मैंने पैरों में चप्पल पहने बिना ही मैं बाहर पहुंचा, और तो बरामदे में पड़ा पेपर मेरे पांव पे लगा। मैं नीचे झुककर पेपर उठाता हूं और उसको खोलता हूं, तो क्या लिखा है उस पर काले बड़े अक्षरों में, अमरीकी व्यापारी करोड़पति कल रात सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल। मुझे लगा हो ना हो ये बहुत गड़बड़ होने वाली है, ये उसी का संकेत है। मैं गेट से बाहर निकल गया, नंगे पांव ही बाहर निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं, पर मैं दौड़ता दौड़ता गया, अचानक टकरा गया कुछ प्रेस वालों के बीच। प्रेस वालों से मैंने मालूमात की तो पता चला कि कल रात जो एक्सीडेंट हुआ है वो इटली में हुआ है। मिस्टर ओमंड वॉल इटली काम के सिलसिले में गए थे और वहीं उनको मोटर एक्सीडेंट ने घायल कर दिया। आज सुबह तक तो वो आईसीयू में थे, पर दिन के यही कोई 11:30-12 बजे वो चल बसे। शायद ठीक उस समय जब वो चेहरा मेरी आंखों के सामने से इस कदर उझल हो गया। अनजान व्यक्ति की कहानी यही खत्म हो गई। सब चुपचाप बैठे सुनते रहे, देखते रहे उसकी ओर। तभी गिरगर खड़ा हुआ, उसने जोरों से तालियां बजाई और बोला, अद्भुत, अकल्पनीय, क्या बात है। अनजान व्यक्ति ने बाहर देखा और बोला, अरे रात हो गई, अद्भुत और अकल्पनीय तो है ही, बहुत थक गया हूं, सोना चाहता हूं, आपकी इजाजत लेता हूं। वो कुर्सी से खड़ा हुआ, बगल के कोट स्टैंड से उसने अपना कोट निकाला और अपने दाएं हाथ को कोट की दाई आस्तीन में डालते हुए बोला, इस कहानी की तीन बहुत अद्भुत अकल्पनीय बातें हैं, सुनना चाहेंगे? पहली ये कि ऐसा एक शख्स हो इस दुनिया में जिसका चेहरा कहीं और किसी घर में एक दीवार पर पाया जाए। अपने बाएं हाथ को कोट की बाई आस्तीन में डालते हुए वो बोला, और दूसरी सबसे अद्भुत अकल्पनीय बात ये कि उस इंसान का, उस व्यक्ति का नाम और वो जगह जहां पे उसका चेहरा पाया जाता है उसमें भी इतना गहरा ताल्लुक हो। मिस्टर ओमंड वॉल का चेहरा लंदन के ग्रेट ओमंड स्ट्रीट के घर में दिखाई देता है। हम सब सर हिलाकर हामी भर रहे थे। वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया और गुड नाइट बोलकर दरवाजे की ओर बढ़ चला। वो बात दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि गिरधर ने बोला, अरे जनाब, अपनी कहानी के बारे में तीसरी सबसे अद्भुत अकल्पनीय बात तो बताते जाइए। तो अनजान व्यक्ति पीछे मुड़ा, हम सब की ओर देखते हुए वो मुस्कुराया और उसने कहा, माफ करिएगा, इतने दिनों से सोया जो नहीं हूं। खैर, मेरी कहानी की, मेरी आप बीती की तीसरी सबसे अद्भुत और अकल्पनीय बात यह है कि आप सबके बीच बैठे हुए ही ठीक 30 मिनट पहले मैंने इसको बुन डाला है। गुड नाइट। ला 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 ला